28 जुलाई 2008 को तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल का पहला एपिसोड प्रसारित हुआ था। तब से यह नॉन स्टॉप लोगों को फ्री लॉफिंग थेरेपी दे रहा है। इतने लंबे समय में तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो ने 3500 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, लेकिन बीते 24 सालों में भी सीरियल के कुछ राज हैं जिनसे पर्दा नहीं उठाया गया है। आज भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैन इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। 1. पोपटलाल की शादी कब होगी। पत्रकार पोपटलाल एक ऐसे कैरेक्टर है जो उम्र की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है, लेकिन अब तक उनकी शादी नहीं हुई है। नाटक में पोपट प्यार में कई बार दिल टूटवा चुका है, लुटेरी दुल्हन के जाल में भी फंस चुका है, लेकिन हर किस्से के एंड में वह फिर अकेला हो जाता है। अब ऐसे ही चलता रहा तो टप्पू सेना के बच्चों और पोपट अंकल की शादी एक ही मंडप में एक ही दिन होने की नौबत आ जाएगी। नट्टू काका और बाघा की पगार कब बढ़ेगी सेठ जी। हमारी पगार कब बढ़ाओगे। जेठालाल की दुकान पर काम करने वाले नट्टू काका और बाघा का यही सवाल बीते कई सालों से जवाब की तलाश कर रहा है। इसी बीच नट्टू काका के रोल को पॉपुलर करने वाले घनश्याम नाइक का निधन भी हो गया। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा को किरण भट्ट के रूप में नए नट्टू काका भी मिल गए हैं। उम्मीद है कि अब जल्द ही दोनों की पगार भी बढ़ेगी। दयाबेन की मां के दर्शन कब होंगे। दयाबेन और सुंदर की मां जीव दयाबेन, उनको कौन नहीं जानता। हमारे जेठालाल के नए नए नाम आखिरकार यही तो रखती हैं। गोकुल धाम वाले जब किसी परेशानी में फंस जाते हैं तो कभी कभी अजीब सलाह भी देती हैं, लेकिन आज तक किसी ने इनका चेहरा नहीं देखा है। हमेशा दया उनसे फ़ोन पर ही बात करती दिखी हैं। एक बार तो दया की माँ गुजरात से मुंबई तक आई, लेकिन वहाँ भी उनको घूंघट में ही रखा गया। अब देखना यह होगा कि किस खास मौके पर शो को बनाने वाले असित कुमार मोदी इस राज से पर्दा उठाते हैं। सुंदरलाल और अब्दुल का परिवार भी मिस्ट्री। शादी की बात है तो सिर्फ पोपटलाल ही क्यों, जेठालाल के साले सुंदर की वैवाहिक स्थिति भी कहां बताई गई है, जबकि उनकी उम्र भी पोपटलाल के आसपास ही है। इतना ही नहीं, अब्दुल छोटा सा पोला, उनके परिवार के बारे में भी कहां बताया गया है। 5. जेठालाल और भिड़े दोस्ती को रिश्तेदारी में कब बदलेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने वाले सब लोग जानते हैं कि जेठालाल और भिड़े का रिश्ता कैसा है। जो नहीं जानते हैं उनको बता दें कि हालत ये है कि अगर दोनों कहीं अकेले फंस जाएं तो आपस में इतना लड़ेंगे कि शायद फिर एक ही वापस आए। दूसरी तरफ जेठालाल का लड़का टप्पू और भिड़े की लड़की सोनू आपस में अच्छे दोस्त हैं। शो में ऐसा इशारा तो मिलता ही है कि इनकी शादी होगी, लेकिन जेठालाल और भिड़े दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे या नहीं, यह नाटक के 14 साल बाद भी साफ नहीं हुआ है। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी एंटरटेनमेंट।